अगर आपको कंप्यूटर या लैपटॉप में कोई फाइल हाइड करनी तो आप करते क्या है, सिंपली उस फाइल पे राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज में चले जाते हैं और प्रॉपर्टीज के अंदर यहाँ पे हिडन पे चेक कर देते हैं, हिडन और अप्लाई और ओके कर देते हैं, या फिर कोई हाइड फाइल या लॉक फाइल का सॉफ्टवेयर डाल के हम उसे हाइड कर देते हैं। तो दोस्तों ये था कंप्यूटर या लैपटॉप में फाइल हाइड करने का तरीका। लेकिन गूगल ड्राइव में अगर आपको कोई फाइल हाइड करना है तो क्या जानते हैं आप? नहीं जानते तो वीडियो आपके लिए दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं कंप्लीट टेक्नोलॉजी भरा वीडियो। कंप्लीट टेक्नोलॉजी चैनल पे मैं सतीश आप सबका स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं दोस्तों, आप अगर नए हो मेरे चैनल पे तो आपको करना होगा सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन दिया उस पर भी क्लिक कीजिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले। तो चलिए हम गूगल ड्राइव में प्रैक्टिकली देखते हैं कि हम किस तरह से फाइल हाइड कर सकते हैं। करना क्या है, सिंपली आप गूगल ड्राइव में आ जाइए, न्यू पे फाइल अपलोड। ऑलरेडी एक फोल्डर मैंने बनाया है कंप्लीट टेक्नोलॉजी, उसके अंदर हम एक फाइल अपलोड कर देते हैं। फाइल अपलोड कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, और चलिए मैं यहाँ पे फाइल सेलेक्ट कर रहा हूँ, जरा माई डॉक्यूमेंट्स में जाता हूँ मेरे, और डॉक्यूमेंट्स के अंदर से मैं कोई भी एक वीडियो फाइल, सपोज ये वीडियो फाइल है मेरी, ये फाइल मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं ये फाइल यहाँ पे अपलोड हो रही है अभी, और यहाँ पे ये फाइल अपलोड हो चुकी है। आप देख सकते हैं फाइल आ चुकी है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, ये फाइल जो है ये हाइड करना चाहता हूँ, तो मैं इसे राइट क्लिक करूँगा। सिंपल यहाँ पर ध्यान दीजिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस फाइल को मुझे यहाँ पर हाइड कर देना है। तो ये फाइल किसी को नहीं दिखनी चाहिए। अभी हाइड क्यों करना है, सिंपल मैं आपको बता दूं, हाइड इसलिए करना है ये फाइल मुझे, क्योंकि ये सपोज जो ड्राइव है गूगल ड्राइव, ये एक आप ऑफिस में यूज़ करते होंगे, यहाँ पे ये गूगल ड्राइव एक ऑफिस का ड्राइव हो सकता है, जो आपके कलीग्स भी इस ड्राइव को यूज़ करते होंगे। तो आप कोई फाइल अपलोड कर रहे हो उस ड्राइव के अंदर जो ऑफिस के अंदर है, आपने कोई बनाया प्रेजेंटेशन वगैरह, मीटिंग्स वगैरह कलीग्स के साथ वगैरह नहीं शेयर करना है, तो उस टाइम पर आपको आपकी फाइल तो आपके ड्राइव पर रखनी है लेकिन हाइड रखनी है। तो करेंगे क्या उसके लिए, तो ड्राइव पर फाइल अपलोड कर दो, उसके बाद आप राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन एक आ रहा है, आपको दिखाई देगा, मैं यहाँ पे जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, मैनेज वर्जन। जी हाँ दोस्तों, मैनेज वर्जन पे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैं क्लिक करूँगा एक डायलॉग बॉक्स आएगा, इसके अंदर करंट वर्जन बैलेंस शीट 1.mp4 इस फाइल का नाम आ रहा है। फिलहाल मैं इसे क्या कर रहा हूँ, इस फाइल का नया वर्जन अपलोड कर रहा हूँ। अपलोड न्यू वर्जन जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मुझे क्या करना है, एक नई फाइल यहाँ पे अपलोड करनी है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, माय डेस्क ये जो फोल्डर है मेरा, चलो यहाँ पे जाता हूँ और एक इमेज भी यहाँ पे इसकी जगह मैं रिप्लेस कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्रोम इनवाइट ये करके मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, एक इमेज है मेरे पास अवेलेबल। तो यहाँ पे ये अपलोड हो रहा है। अब इसका नया वर्जन क्या हो चुका है, देखिए अभी करंट वर्जन क्रोम इन वाइट .jpg। अब मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। अभी देखो यहाँ पे पूरा टॉपिक समझो, अब इस फाइल का नाम चेंज कर देना, आपको राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद रीनेम करना है। रीनेम कहाँ पे करना है मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन से आपको रीनेम के लिए दोस्तों। तो चलिए रीनेम पे क्लिक कीजिए और इसका नाम जो रखना है क्रोम .jpg वगैरह जो था वही रख दो, क्रोम .jpg आप रख सकते हैं, इस तरह से जो नाम रखना है रखिए। इस तरह से आपने रखा उसको chrome.jpg और इसे ओके कीजिए। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं इस फाइल का नाम अभी chrome.jpg है। अब इस फाइल को अगर कोई ओपन करता है, डबल क्लिक करके ओपन करता है, देखता है और डाउनलोड करने की कोशिश करता है, इसे डाउनलोड भी कर देता हूं मैं। जैसे मैं इसे फाइल को डाउनलोड कर देता हूं इस फाइल को, तो यहां पे आपको पता चलेगा ये डाउनलोड होने के बाद यहां पे एक फाइल दिखाई दे रही है आपको, और इसे ओपन करता हूँ मैं इस फाइल को। देखिए ज़रा ये कौन सी फाइल ओपन हो रही है, ये वीडियो नहीं चल रहा है, ये मेरा chrome.jpg जो इमेज था वो यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है और वही यहाँ पे आपको दिखाई देगा। और वो फाइल जो थी मैंने पहले इस पे डाली थी वो कहाँ पे है, वो अगर आपको डाउनलोड करनी रहेगी तो आपको करनी है, क्योंकि ये तो हाइड हो गई फाइल इसके पीछे। तो राइट क्लिक करो, मैनेज वर्जन में यहाँ पे दोबारा जाओ आप। मैनेज वर्जन में जब जाएंगे आप, तो मैनेज वर्जन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं बैलेंस शीट आपकी फाइल है, यहाँ पे आप क्लिक करो ये जो ऑप्शन दिया है 3 डॉट के, और यहाँ पे आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। सिंपल है, डाउनलोड पे क्लिक करो, मैं आपको दिखा देता हूँ डाउनलोड करके। चलिए डाउनलोड पे क्लिक कर देता हूँ मैं यहाँ पे। तो जैसे मैं डाउनलोड क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे इस फाइल का नाम क्या आ रहा है, देखिए ज़रा ध्यान से देखिए, chrome.jpg फाइल का नाम वही है लेकिन .mp4 फाइल आ रही है। कौन सी है, mp4, आप प्ले करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ये chrome.jpg नहीं, chrome.jpg mp4 ये प्ले हो रही है, एक्चुअली इसका नाम बस वही है, लेकिन ये फाइल यहाँ पे हिडन है। आपको पता है कि उस फाइल के पीछे ये फाइल है, क्योंकि हमने उसका करंट वर्जन जो है वो रखा है .jpg करके, chrome in white .jpg करके। लेकिन एक बात यहाँ पे याद रखो कि ये जो वर्जन आप
ऐड कर चुके हैं फाइल का, तो ये 30 डेज के लिए रहता है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे कीप फॉरएवर पे आपको चेक रखना है। कीप फॉरएवर से अगर आप चेक रखते हो तो ये चेक रहेगा, तो ये फाइल आपकी फॉरएवर रहेगी, नहीं तो यहाँ पे आपको ऊपर मेंशन किया है उन्होंने, फाइल ओल्डर वर्जन ऑफ दिस फाइल विल बी डिलीटेड आफ्टर 30 डेज। और कितने वर्जन आप स्टोर कर सकते हैं फाइल के, 100 वर्जन स्टोर कर सकते हैं दोस्तों। फिलहाल तो हमने ये वर्जन ही स्टोर किया, एक ही उसका नया वर्जन स्टोर किया, और एक अपलोड करेंगे तो ये फाइल हाइड हो जाएगी और दूसरी आएगी उसके ऊपर। तो एक के पीछे एक ऐसे बहुत सारी फाइल हाइड कर सकते हैं आप, 100 वर्जन हाइड हो सकते हैं। लेकिन हमेशा याद रखो कि आपको पुरानी फाइल चाहिए तो कीप फॉर एवर ये ऑप्शन आपको रखना है, नहीं तो 30 डेज के बाद ये ओल्ड फाइल डिलीट हो जाती है। तो ये फाइल हाइड करने का एक तरीका है, क्रोम के अंदर फाइल आप रख सकते हैं, एक फाइल के पीछे दूसरी फाइल रहती है, बस आपको करना है मैनेज वर्जन ऑप्शन। दोस्तों कुछ नया था आपके लिए, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो आपने ऑलरेडी लाइक बटन पे क्लिक किया होगा, लाइक कीजिए। कंप्यूटर टिप्स एंड ट्रिक्स के बहुत सारे वीडियोस और भी है चैनल पे, आप देखेंगे ऐसी उम्मीद करता हूँ। कमेंट कीजिए कैसा था आज का वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मुझे आज का कैसा लगा आपको वीडियो। मैं लूंगा आपसे अलविदा दोस्तों, आखिर में ये कहूँगा सीखते रहो, सिखाते रहो और मेरे वीडियोज देखते रहो। बाय बाय।